जाओगो मल हो तो सदगुणों से भर जाएगा चित्त मैला हो तो दुर्गुणों से भर जाएगा जब दुर्गुणों से चित्त भरेगा तो चारों ओर दुर्गंध फैलाएगा सदगुणों से भरेगा तो चारों ओर सुगंध फैलाएगा सारा वातावरण खुशियों से भर जाएगा आनंद से भर जाएगा चित्त मेला हुआ कि हमारा धर्म छूटा चित्त निर्मल हुआ कि हमारा धर्म सबल हुआ बलवान हुआ अपने यहां कहते हैं धृति क्षमादमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह धीर्विद्य सत्यमक्रोधो दशकङ्धर्मलक्षणम् धर्म के ये दस लक्षण हैं सदगुण हैं किसकी मोनोपोली है इस पर ये सदगुण केवल इस संप्रदाय के व्यक्ति में ही आएंगे दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति में नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं ना होता जो चित्त को निर्मल कर लेगा उसमें सदगुण आने ही लगेंगे गुलाब के इत्र में बहुत अच्छी सुगंध है गुलाब का इत्र जो लगा लेगा उसी में वो महक फूटने लगेगी गुलाब का इत्र इस बात को नहीं देखेगा कि मुझे किसी ब्राह्मण ने लगाया है कि किसी शूद्र ने लगाया है कि किसी हिंदू ने लगाया है कि किसी मुसलमान ने लगाया है अरे इत्र, इत्र है भाई उसका स्वभाव है सुगंध से भर देगा ऐसे ही धर्म धर्म है उसका स्वभाव है सदगुणों से भर देगा तो जीना आ जाएगा जीने की कला आ जाएगी बस धर्म को अपने इस शुद्ध रूप में समझते रहें तो शुद्ध रूप में धारण करने की प्रेरणा मिलती रहेगी अन्यथा उलझे रह जाएंगे धर्म के नाम पर न जाने किन किन जंजालों में उलझे रह जाएंगे एक साधे सब सधे, चित्त निर्मल हो तो धर्म है चित्त निर्मल नहीं है तो धर्म नहीं है चित्त जितना जितना निर्मल है उतना उतना धर्म है धर्म बड़ा वैज्ञानिक होता है इसमें कहीं भावावेश को जगह नहीं होती संप्रदाय भावावेश के बल पर चलता है धर्म नहीं धर्म शुद्ध वैज्ञानिक रूप से ये ये होगा तो ये परिणाम आएगा ही जैसे एक वैज्ञानिक कहता है दो हिस्से की हाइड्रोजन और एक हिस्से का ऑक्सीजन होगा तो नमी आएगी ही मॉइस्चर आएगा ही पानी बनेगा ही हाइड्रोजन भी ना हो ऑक्सीजन भी ना हो तो वहां कोई नमी नहीं होगी किसी प्रकार अपने देश के सुपर साइंटिस्ट ने अपने भीतर अनुभूतियों द्वारा कुदरत के इस कानून को निसर्ग के नियम को रित को अनुभूति द्वारा जान लिया इमस्मिंग सती होती इमस्मिंग ऐसती दंग न होती ये ये होगा तो ये परिणाम आएगा ही दुनिया की कोई शक्ति बचा नहीं सकती ये परिणाम आएगा ही ये ये नहीं होगा तो ये परिणाम नहीं आएगा बस यही धर्म है होश नहीं है और उसे ही कहा अविद्या है अज्ञान है भीतरी भीतर क्या हो रहा है अंतर्मुखी होकर के अपने भीतर की सच्चाई को जो व्यक्ति देखता ही नहीं वो जहां तक अध्यात्म का सवाल है अध्यात्म कहते हैं अपने भीतर की सच्चाई को तो अपने भीतर की सच्चाई के मामले में ये आदमी बेहोश है अज्ञानी है अविद्याग्रस्त है इसे पता ही नहीं क्या हो रहा है भीतर और इस अंधेरे में वो राग जगाता है द्वेष जगाता है और इन दोनों से उत्पन्न होने वाले अनेक अन्य प्रकार के विकार जगाता है तो ये परिणाम आएगा ही दुख आएगा ही व्याकुलता आएगी ही कोई व्यक्ति विकार भी जगाए और समझे कि मेरे मन में व्याकुलता नहीं आए असंभव है कुदरत के बंधे बंधाए नियम है हमें व्याकुलता नहीं अच्छी लगती तो सीधी बात है विकार नहीं जगाएं और विकार नहीं जगाएं इसके लिए सीधी बात है कि अंतर्मुखी होकर उस अवस्था तक पहुंचे जहां विकारों का उद्गम होता है वहां पहुंच करके अगर हमने अपने मानस के स्वभाव को पलटना शुरू कर दिया वो स्वभाव जो विकार जगाने का स्वभाव था वही बदलने लगा तो विकार नहीं जागे और विकार नहीं जागे तो यह व्याकुलता का परिणाम जो आता है वह आना बंद हो गया इतनी सीधी बात इतनी सरल बात इसमें संप्रदाय क्या करेगा जिस व्यक्ति को धर्म धारण करना है उसको संप्रदायों से लेन देन नहीं उसको किसी एक संप्रदाय से किसी दूसरे संप्रदाय में दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं बिल्कुल नहीं जैसे कुछ सदियों पहले गलीलियो नाम के एक व्यक्ति ने ये सच्चाई खोज निकाली कि भाई ये जो धरती चपटी लगती है ना, ये चपटी नहीं है ये गोल है और अपनी धुरी पर घूमती रहती है किसी ने माना किसी ने इस सच्चाई को नहीं माना धीरे धीरे लोग मानने लगे मानने लगे तो किसी गलीलियों के संप्रदाय में दीक्षित तो नहीं हुए आवश्यकता क्या थी किसी न्यूटन नाम के व्यक्ति ने यह सच्चाई खोज निकाली कि संसार में एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और उसी के बल पर ये सारे ग्रह उपर, उपग्रह नियमबद्ध होकर के अंतरिक्ष में परिभ्रमण कर रहे हैं लोगों ने माना तो किसी न्यूटन के संप्रदाय में दीक्षित तो नहीं हो गए अरे इसी तरह से ये सारे तो सामान्य सामान्य साइंस है सामान्य साइंटिस्ट हैं जो हमारी सुख सुविधा के लिए किसी किसी बात का आविष्कार करते रहते हैं हम उसका सदुपयोग करते हैं सुखी होते हैं हम उसका दुरुपयोग भी कर लेते हैं दुखी हो जाते हैं हमारे यहाँ तो सुपर साइंटिस्ट हुए और जो सच्चाई खोज निकाली अरे उसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता धर्म की सच्चाई खोज निकाली जो धर्म धारण करे इस नाम धारी इस नाम वाला करे उस नाम वाला करे इस वेशभूषा वाला करे उस वेशभूषा वाला करे इस देश वाला करे उस देश वाला करे इस बोली भाषा वाला करे उस बोली भाषा वाला करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जो धर्म धारण करे वही सुख प्राप्त करे शांति प्राप्त करे कोई हो और जो धर्म को धारण न करे दुखी हो जाए किसी संप्रदाय का हो किसी जाति का हो किसी वर्ण का हो किसी गोत्र का हो कुदरत के बंधे बंधाए नियम हैं। किसी राज्य के नियम होते हैं और उस राज्य में रहने वाला कोई व्यक्ति उस नियम को तोड़ता है तो अपराध अपराध करता है राज्य की ओर से उसे दंड मिलता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि नियम तोड़ा है अपराध किया है फिर भी दंड से बच गया और ये तो होता ही है कि नियम तोड़ा है अपराध किया है और दंड मिलते मिलते न जाने कितना समय लगा ये जो कुदरत के नियम है निसर्ग के नियम है धर्म के नियम है इन्हें कोई तोड़े तो बच नहीं सकता कोई नहीं बच सकता तुरंत दंड मिलेगा तोड़ा कि दंड मिला देर भी नहीं लगेगी तुरंत दंड मिला मन को मेला किया कि तुरंत व्याकुल होगा मन को निर्मल किया कि तुरंत पुरस्कार प्राप्त करेगा अरे इतनी सीधी सी बात धर्म की इतनी सीधी सी बात और उलझा लिया हमने ये दार्शनिक मान्यता वो दार्शनिक मान्यता ये कर्म कांड वो कर्म कांड उलझ गए सीधी सीधी बात मन को निर्मल रखो तो तुम बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हो बड़े धार्मिक व्यक्ति हो मन को मैला करो तो तुम बड़े अधार्मिक व्यक्ति हो अपनी भी हानि करते हो औरों की भी हानि करते हो बस इतनी सी बात समझनी है धर्म धारण करना होता है धर्म की भी केवल चर्चा होके रह जाए खूब वाणी विलास हो खूब बुद्धि विलास हो बोलने वाला बोलकर बड़ा खुश हो कि देखो मैंने धर्म कितनी अच्छी तरह समझाया सुनने वाले सुनकर बड़े खुश हों कि देखो हमने आज धर्म समझा और कितनी अच्छी तरह से समझा क्या मिल गया भाई क्या बोलने वाले को मिल गया और क्या इन सुनने वालों को मिल गया जब तक धारण न करे तब तक कोई लाभ नहीं होता ये धर्म की चर्चा हमें प्रेरणा दे सकती है हमें मार्गदर्शन दे सकती है पर उस मार्ग पर चलना होगा हर व्यक्ति को कदम कदम उस मार्ग पर चलना होगा तब वो धर्मवान बनता जाएगा कदम कदम थोड़ा थोड़ा शनय शनय धर्मवान बनता चला जाएगा तो शनय शनय शांति प्राप्त करता चला जाएगा सुख प्राप्त करता चला जाएगा मंगल साधता चला जाएगा चलना होगा कदम कदम हरेक को चलना होगा धर्म के रास्ते चलने के लिए धर्म के तीन पावड़े होते हैं तीन पांव चले इन तीन पावड़ों में अध्यात्म के अंतरिक्ष को पूरा का पूरा माप लिया जाता है कुछ बाकी नहीं रहता क्या तीन पावड़े हैं पहला कदम है धर्म के रास्ते चलने वाले का पहला कदम है शील सदाचार का जीवन जीना दूसरा कदम है संयम और समाधि का अभ्यास करना अपने मन का मालिक बनना तीसरा कदम है प्रज्ञा प्रज्ञा द्वारा चित्त को नितांत निर्मल कर लेना प्रज्ञा माने प्रत्यक्ष ज्ञान अपना ज्ञान परोक्ष ज्ञान नहीं पराया ज्ञान हमें प्रेरणा दे सकता है मार्गदर्शन दे सकता है हमें अगर अपने चित्त को निर्मल करना है तो अपने भीतर अपनी प्रज्ञा जगानी पड़ेगी अपना ज्ञान जगाना पड़ेगा अनुभूतियों के स्तर पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान जागा वही प्रज्ञा कहलाती थी, थी भारत में उस प्रज्ञा में जितना जितना स्थित होता चला जाएगा उतना उतना धर्म पुष्ट होता चला गया क्योंकि चित्त निर्मल होता चला गया तो शील समाधि प्रज्ञा ये धर्म के तीन कदम हर व्यक्ति इस पर चल सकता है अपने को हिंदू कहने वाला भी बौद्ध कहने वाला भी जैन कहने वाला भी मुस्लिम कहने वाला भी ईसाई कहने वाला भी जो चले उसी को वही परिणाम मिलते चले जाएंगे हिंदू अपने को हिंदू ही कहता रहे बौद्ध बौद्ध कहता रहे जैन जैन कहता रहे मुसलमान मुसलमान कोई फर्क नहीं पड़ा आदमी है उसने अपना चित्त सुधारने का रास्ता पकड़ा और उस पर चल पड़ा तो परिणाम तो वही आएंगे आएंगे ही किसको शील सदाचार कहते हैं सारे रास्ते एक बात समझ के रहनी चाहिए कि धर्म है कि नहीं कहीं संप्रदाय में तो नहीं उलझ रहा और धर्म वो जो वैज्ञानिक हो धर्म वो जो सार्वजनिक हो धर्म वो जो सार्वदेशिक हो धर्म वो जो सार्वकालिक हो तो धर्म है तो क्या शील है क्या सदाचार है कि मैं अपने शरीर से अपनी वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करूं जिससे अन्य प्राणियों की सुख शांति भंग होती हो जिससे अन्य प्राणियों का हित नष्ट होता हो कोई काम नहीं करूं तो शीलवान हुआ सदाचारी हुआ क्यों नहीं करूं भाई तो अपने देश के संतों ने अरहंतों ने महापुरुषों ने बुद्धों ने स्थित प्रज्ञों ने जीवन मुक्त लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से बात समझाई आखिर समाज है सब तरह लोग है के लोग हैं उसमें आध्यात्मिक के क्षेत्र में कोई बिल्कुल बच्चे जैसा है कोई युवक हो गया कोई प्रौढ़ हो गया जिसको जैसे समझ में आए वैसे बात समझाई गई तो जो अभी अध्यात्म के क्षेत्र में बच्चे हैं उन्हें समझाया गया कि देखो अगर शील सदाचार का पालन करोगे तो मरने पर तुम्हें स्वर्ग मिलेगा यहां तो सुखी होवोगे ही पर इसके बाद मरने पर भी स्वर्ग मिलेगा और अगर तुमने शील सदाचार का पालन नहीं किया दुराचार का जीवन जिया तो मरने के बाद तुम्हें नरक मिलेगा घोर नरक मिलेगा यहाँ भी दुखी हो जाओगे वहां भी दुखी हो जाओगे बच्चों जैसा मानस है तो बच्चों को कहते हैं अपनी पढ़ाई ठीक करोगे तो तुम्हें कैडबरी की दो गोलियां मिलेगी अब उसी लालच में वो पढ़ाई करता है नहीं करोगे तो देखो तुम्हें बैंत से मार पड़ेगी अब इसी भय के मारे वो अपनी पढ़ाई करता है ये बच्चों को समझाने की बात हुई पर सारे लोग सब समय बच्चों की तरह ही बने रहें तो अच्छी बात नहीं हुई तो और लोगों को समझाया गया जो समझने लायक थे कि देख भाई आखिर तो मनुष्य है मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है तेरा औरों के साथ संबंध होता है तो तुझे समाज में रहना है परिवार में रहना है और सोच के देख कि जब कोई व्यक्ति तेरी हत्या करे तो तुझे अच्छा नहीं लगता ना जब कोई व्यक्ति तेरी कोई प्रिय वस्तु चुरा ले तुझे अच्छा नहीं लगता ना जब कोई व्यक्ति तेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ व्यभिचार कर ले तुझे अच्छा नहीं लगता ना जब कोई व्यक्ति झूठ बोलकर तुझे ठगे तुझे अच्छा नहीं लगता ना जब कोई व्यक्ति कड़वी बात बोलकर तेरा मन दुखाए चुगली की बात बोल करके तेरा मन दुखाए निंदा की बात बोल के तेरा मन दुखाए तुझे अच्छा नहीं लगता ना अरे इसी प्रकार भाई जब तू किसी की हत्या करे तब तू किसी की पराई वस्तु चुराए जब तू किसी के परिवार के व्यक्ति के साथ व्यभिचार कर ले जब तू झूठ बोलकर किसी को ठगे जब तू कोई कड़वी बात बोल करके निंदा की बात बोल करके चुगली की बात बोल करके किसी का मन दुखाए उसको कैसे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना तो बात समझ में आए अपने जैसा सबको जानो भाई जो बात मुझे नहीं अच्छी लगती औरों को भी नहीं अच्छी लगती तो इससे बचना चाहिए और एक तरह से समझाया और जो समझदार थे उनको समझाया कि अरे तू तो जब जब ये शील सदाचार का भंग करेगा हत्या करेगा चोरी करेगा व्यविचार करेगा झूठ बोलेगा कड़वी बात बोलेगा तो सारे वातावरण को अशांत कर देगा तेरे चारों ओर आग लग जाए तो तुझे शांति कहाँ से मिलेगी शीतलता कहाँ से मिलेगी तू भी तो उसमें तप्त होगा संतप्त होगा ओ इसलिए अपने वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए शांत रखना चाहिए इतना ही नहीं और जो समझदार लोग थे उनको धर्म की गहराई से बात सिखाई गई तू जब जब शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करता है चोरी करे हत्या करे व्यभिचार करे झूठ बोले तब तक नहीं कर सकता जब तक कि अपने मन में कोई विकार न जगा ले हत्या करेगा क्रोध जगाना होगा चोरी करेगा लोभ जगाना होगा व्यभिचार करेगा वासना जगानी होगी झूठ बोलेगा अहंकार ममंकार भय ईर्षा न जाने कोई ना कोई विकार जगाना पड़ेगा और ऐसे विकार जगाया कि तुझे दंड मिलना शुरू हो गया पुब्बे हनति अत्तानं पच्छा हनति सो परे। पहले अपना हनन हुआ फिर किसी दूसरे का हनन हुआ जब जब शील सदाचार का भंग किया अपनी हानि की औरों की हानि की अरे समझ भाई इस कुदरत के कानून को और इससे बच लोग इस प्रकार धर्म को वैज्ञानिक रूप से समझें वैज्ञानिक रूप से समझें तो सदाचार का पालन करें सदाचार का पालन करें तो अपना भी मंगल करें औरों का भी मंगल करें धर्म में मंगल ही मंगल कल्याण ही कल्याण स्वस्ति ही स्वस्थ सदाचरण ही धर्म है दुरा ही पाप सदा से सुख मिले दुराचरण दुख जागो लो अध्यात्म के ऊंचे शिखर तक पहुंचने के लिए तीन महत्वपूर्ण सोपान होते हैं शील समाधि और प्रज्ञा शील का पालन करके ही सम्यक समाधि का अभ्यास होता है शरीर और वाणी से ऐसा दुष्कर्म करते रहें, जिससे कि अन्य प्राणियों के सुख शांति भंग हो उनके हितों को हानि पहुंचे तो हम समाधि के सोपान पर आगे नहीं चढ़ सकते क्योंकि जब जब शरीर और वाणी से कोई दुष्कर्म करेंगे तो पहले अपने मन में मैल जगाएंगे मैल जगाएंगे तो समाधि सम्यक नहीं हो सकती शुद्ध नहीं हो सकती जड़ समाधियां भले प्राप्त हो जाए और जिस मार्ग का लक्ष्य ही ये है कि चित्त को नितांत निर्मल करना है विकारों से विमुक्त करना है तो सम्यक समाधि का ही अभ्यास करना पड़ेगा शील का पालन इसलिए भी करेंगे शील का पालन करते हुए हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं जब जब शील सदाचार का भंग करेंगे अपने मन में विकार जगाएंगे कुदरत हमें दंड देने लगेगी तो अपने ही हानि करेंगे अपने आप को व्याकुल बनाएंगे इस व्याकुलता से बचने के लिए हम शील सदाचार का पालन करेंगे और फिर सम्यक समाधि के अभ्यास में लग जाएंगे अनेक प्रकार के आलंबन होते हैं जिनके सहारे मन को एकाग्र एक करने का अभ्यास किया जा सकता है किसी शब्द का सहारा किसी रूप का आकृति का सहारा लेकिन इस रास्ते पर जो रास्ता हमें अध्यात्म के शिखर तक पहुंचाने वाला है हमें ऐसी समाधि चाहिए जो शुद्ध हो माने जिसका आधार न तो राग हो न द्वेष हो और न ही किसी प्रकार की कोई कल्पना हो मिथ्या आधार नहीं सत्य का आधार और सत्य भी वो हो जो अपने भीतर अपने बारे में हमारी जानकारी बढ़ाए अपने बारे में क्या सच्चाई है इसे जानते हुए ही हम अपने विकारों से मुक्ति पा सकेंगे तो इसलिए ये सांस का आलंबन चुना गया सहज स्वाभाविक सांस जैसे भी आ रहा है जैसे भी जा रहा है हम केवल साक्षी भाव से उसे जान रहे हैं और कुछ नहीं करते उसके साथ जरा भी छेड़छाड़ नहीं करते जैसे भी आ रहा है जान लिया ऐसे आ रहा है जैसे भी जा रहा है जान लिया ऐसे जा रहा है बाई नासिका में से गुजरता है कि दाहिनी नासिका में से गुजरता है कि दोनों नासिकाओं में से गुजरता है लंबा है कि ओछा है जैसा भी है हमें यथार्थ का दर्शन करना है नैसर्गिक सत्य का दर्शन करना है तो नैसर्गिक सांस का दर्शन करना है जैसा भी है क्योंकि लक्ष्य ये है कि अपने बारे में जानकारी करनी है मैं किसी मैं 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 किए जा रहा हूं किसी मेरा 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 किए जा रहा हूं यह सारा शरीर स्कंद जिसे मैं मेरा मैं मेरा किए जा रहा हूं क्या है कैसा है और यह सारा चित्त स्कंद जिससे मैं मेरा मैं मेरा किए जा रहा हूं क्या है कैसे काम करता है और इन दोनों की मिली जुली जीवन धारा क्या है कैसे काम करती है और फिर इस शरीर और चित्त के परे की जो सच्चाई है वो क्या है कैसी है ये सब अनुभूतियों के स्तर पर जानना है किसी ने कह दिया और हमने श्रद्धा के साथ उसे स्वीकार कर लिया तो केवल मानना हुआ किसी ने कह दिया हमने उस पर चिंतन मनन किया बात ठीक लगी हमने स्वीकार कर ली फिर भी मानना हुआ जानना नहीं हुआ मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है जानना अपनी अनुभूति से होगा तो हमें अपने बारे में जो सच्चाई है उसे स्वयं अपनी अनुभूति से जानना है तो सारा मार्ग अपने आप को जानने का मार्ग आत्मदर्शन का मार्ग स्वयं दर्शन का मार्ग सत्य दर्शन का मार्ग अपने बारे में जो सच्चाई है उसे अच्छी तरह अनुभूति के स्तर पर जान लेने का मार्ग भारत की यह विद्या इसका प्रभाव देश विदेशों पर पड़ा तो हम देखते हैं कि अपने आप को जानने की विद्या किस प्रकार जगह जगह फैली और उसी की वजह से संतों की वाणी में बाहर के संतों की वाणी में भी हम देखते हैं जब कोई कहता है नो दाई सेल्फ अपने आप को जानो तो विपसनाई हुई नो दाई सेल्फ अपने आप को जानो और मध्यकाल में अपने यहाँ के जो संत हुए यद्यपि विधिवत विपश्यना विधि कैसे इसका अभ्यास किया जाता है ये पिछले 2000 वर्षों से अपने देश से लुप्त हो गई लेकिन फिर भी इन संतों की वाणी को पढ़ते हैं तो लगता है कि विपसना समाई हुई है भारत के मध्य युग के संत अवश्य ही भीतरी भीतर ही भीतर विपसना करने वाले होंगे तभी उनकी वाणी में हम देखते हैं अपने आप को जानने का कितना बड़ा महत्व एक संत कहता है आपो जाने आपो आप और ब्यापे तीनों ताप अपो जाने अपो आप जो स्वयं अपने आप को जान गया अरे सारे भव तापों से मुक्त हो गया सारे भव रोग से मुक्त हो गया त्रिविध तापों से मुक्त हो गया अपने आप को जान गया ऐसे ही एक संत कहता है पंजाब का एक मुस्लिम संत कहता है अरे संत संत होता है भाई संत का क्या मुस्लिम और क्या हिंदू और क्या सिख और क्या बौद्ध जिस व्यक्ति ने अपने चित्त को नितांत निर्मल कर लिया मैत्री और करुणा के सद्गुणों से भर लिया जिसका चित्त शांत हो गया विकार विमुक्त हो गया वो संत हो गया तो पंजाब का ये संत कहता है कि हाशम तिन्हहा रब पता ओ जिन्हहा अपना आप पचाता हाशम तिन्ह रब पाता जिसने अपने आप को पहचान लिया जिसने अपने आप को जान लिया उसने रब को जान लिया परमात्मा को जान लिया ईश्वर को जान लिया अरे सत्य ही तो ईश्वर है परम सत्य ही तो परमेश्वर है अपने आप को जानते 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 कुदरत की सारी सच्चाइयां, अपने आप इनका उद्घाटन होना शुरू हो जाता है कुदरत का कानून अपने आप स्पष्ट मालूम होने लगता है और फिर कुदरत के कानून के अनुसार चलना आ जाता है तो चित्त के मैल दूर होते 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 निर्मल अवस्था तक पहुंचता है तो अपने भीतर कुछ अनजाना नहीं रह जाता शरीर और चित्त की सारी सच्चाइयां प्रकट हो जाती हैं और फिर शरीर और चित्त के क्षेत्र का अतिक्रमण करके इसके आगे की सच्चाई इंद्रियातीत अवस्था की सच्चाई का साक्षात्कार होता है तो पहले अपने भीतर की सच्चाई क्या है अपने बारे में क्या सत्य है उसे जाने आपो जाने आपो आप स्वयं जाने किसी दूसरे ने अपने भीतर की सच्चाई जाने और उसे शब्दों पर उतारा हमने उसे सुना और मान लिया तो जाना नहीं हमने तो कहा संत ने जन नानक बिन आपा पाचिन कटे न भ्रम की कायरे जन नानक बिन आपा पाचिन कटे न भ्रम की रे अपने आप को जाने बिना भ्रम ही भ्रम भ्रांति ही भ्रांति जैसे जैसे भीतर यात्रा करनी शुरू करेंगे वैसे वैसे बहुत स्पष्ट होता चला जाएगा कि अरे कितनी भ्रांतियों का जीवन जी रहे हैं किस भ्रम का जीवन जी रहे हैं सच्चाई प्रकट होती चली जाएगी अपने बारे में जहां सच्चाई प्रकट होनी शुरू हुई वहां बाहर की सच्चाइयां अपने आप प्रकट होने लगेंगी क्योंकि कुदरत का कानून समझ में आने लगेगा जो कुदरत का कानून बाहर काम कर रहा है बिल्कुल वही भीतर काम कर रहा है तो भीतर जब कुदरत का कानून समझ में आने लगा तो अनुभूतियों से समझ में आने लगा तो सच्चाइयों से समझ में आने लगा बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा जीवन ही बदलता चला जाएगा इसीलिए अपने यहाँ के संतों ने सारे तीन हाथ की काया के भीतर सत्य का अनुसंधान करने की बात कही तीन हाथ एक अर्धाई ऐसा अंबर चीनो मेरे भाई ओ खोजो मेरे भाई जानो मेरे भाई ये तीन हाथ और एक या आधा हाथ यह साढ़े तीन हाथ की काया के भीतर क्या सत्य है इस सत्य की खोज करो इस अंबर की इस आकाश की इस अंतरिक्ष की खोज करो मानो पश्चिम के वैज्ञानिकों को जो बाहर के अंतरिक्ष की खोज में चले हैं भारत का यह संत उन्हें चेतावनी देता है अरे क्या मिलेगा भीतर के अंतरिक्ष की खोज करो सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा कुदरत का सारा रहस्य समझ में आ जाएगा अंदर की सच्चाई को जानना है अनुभूतियों से जानना है भीतर यात्रा करनी है तो पहले मन को इस शरीर के दरवाजे पर तो रोकना सीखें कितना डगमगाता हुआ मन है कहीं तो स्थिर हो तो बस जिन दरवाजों से सांस भीतर जाता है बाहर आता है यही मन को टिकाना है और इतना ही जानना है कि सांस भीतर आया कि बाहर गया करना कुछ नहीं न इस सांस के साथ कुछ जोड़ना है न इस पर किसी बात का आरोपण करना है न इसे प्रयत्नपूर्वक छोटा या बड़ा करना है न बाई नाक से ना दाही नाक की ओर बदलना है न दाहिने से बाएं की ओर बदलना है जैसा है वैसा है बस साक्षी भाव से जानना है तटस्थ भाव से जानना है किसको तटस्थ कहते हैं हम तट पर बैठे हैं और नदी बह रही है नदी का प्रवाह स्वभाव तक बह रहा है हम उसके प्रवाह में कुछ नहीं करते हम तो तट पर बैठे हैं प्रवाह तेज है तो तेज है धीमा है तो धीमा है और प्रवाह का पानी निर्मल है तो निर्मल है मेला है तो मेला है जैसा भी है तट पर बैठे हैं केवल देख रहे हैं यह सांस का प्रवाह चल रहा है और हमारा मन इस दरवाजों पर बैठा है केवल जान रहा है जैसा भी सांस आया जैसा भी सांस गया बस केवल जानना है इससे सरल काम और क्या होगा कुछ नहीं करना केवल जानना है बड़ा सरल काम लेकिन जब भी कभी समय निकाल करके इसका अभ्यास करने आओगे तो देखोगे बड़ा कठिन दो सांस भी नहीं जान पाए कि मन वो भागा दो सांस भी नहीं जान पाए कि वो भागा तो मन में चिड़चिड़ाहट जागेगी अरे कैसा मन लिए चल रहा हूं कि ये इतना सरल सा काम इसे भी नहीं कर सकता भटकता रहता है तो मार्गदर्शक कहेगा अरे नहीं नहीं चिड़चिड़ाना नहीं क्रोध नहीं पैदा करना इसी स्वभाव को बदलने के लिए तो आए हो सच्चाई को स्वीकार करो मन भटक गया इस क्षण मेरा मन भटक गया जैसे ही होश आया बस मन भटक गया इतना ही जाना कुछ नहीं करना पड़ेगा मन अपने आप आ जाएगा फिर भटक गया होश ही नहीं रहा भटक गया फिर होश आया होश आते ही भटक गया फिर आ जाएगा खेच नहीं करनी अपने आप आ जाएगा यूं करते करते एक दिन बीते दो दिन बीते तो बैठे थे सांस देखने के लिए सांस के आवागमन को देखने के लिए और अपने आप इस मन का भी दर्शन होने लगा कैसा मन है कितना भटकता है तो देखेगा कहां भटका भाई कहां भटका कहाँ गया अरे कितने विषयों में गया कोई नोट भी नहीं कर सके लेकिन बहुत साफ मालूम होगा कि दो ही विषय में गया है दो ही क्षेत्र हैं इसके जाने के लिए या तो कोई पुरानी बात याद आई ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था अब लगा उसमें लोट पलोट लगाने या कोई भविष्य की बात आई मन में ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा तो न हो ऐसा तो न हो फिर कोई भूतकाल की बात याद आ गई फिर ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था ओ तो केवल दो क्षेत्र हैं या तो भूतकाल में रमण करेगा यह भविष्य में रमन करेगा यह वर्तमान में रमन नहीं करता कैसा स्वभाव बना लिया अरे जीना वर्तमान में है हम भूतकाल में कैसे जिएंगे जो क्षण चले गए वो सदा के लिए चले गए दुनिया की सारी संपदा देकर भी उसे खरीद कर वापस एक बार जीना चाहें असंभव है गया और भविष्य जब तक वर्तमान नहीं बनेगा हम उसमें कैसे जिएंगे जीना वर्तमान में है और देखो कैसी आदत बना ली कि जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्य ओ तो जीना नहीं आया जीने की कला नहीं आई तो सांस को देखते देखते ये जीने की कला सीख रहे हैं भाई वर्तमान में आ जा इस सक्षण की जो सच्चाई है उसके साथ रहे फिर भटक गया फिर इस सक्षण की सच्चाई फिर भटक गया ये एक बात समझ में आई अनुभूति पर और एक बात समझ में आई कि जब जब भूतकाल में गया या भविष्य में गया किस तरह के कि चिंतन चले तो देखेगा दो ही तरह के चिंतन चले कोई बात याद आई पुरानी बात याद आई तो या तो बड़ी प्रिय और या अप्रिय भविष्य का कोई चिंतन चला तो या तो प्रिय या अप्रिय तो देखता है कि जब जब कोई प्रिय चिंतन चला भूतकाल का हो या भविष्य का हो बड़ा सुखद लगा बड़ा सुखद लगा और जब जब अप्रिय चिंतन चला बड़ा दुखद लगा बड़ा दुखद लगा तो ध्यान से देखेगा तो यह बात प्रकट होगी कि जब जब सुखद लगा कोई भी चिंतन भूतकाल का कि भविष्य का सुखद लगा तो मानस के एक हिस्से ने प्रतिक्रिया करनी शुरू की चाहिए 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 ये तो और चाहिए ये तो और चाहिए और जैसे ही दुखद लगा कि प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए अरे यही तो राग है यही तो द्वेष है और प्रतिक्षण राग चल रहा है द्वेष चल रहा है राग चल रहा है द्वेष चल रहा है और हमें पता तक नहीं क्या हो रहा है बस ये भीतर की सच्चाई के दर्शन का पहला दृश्य हमारे सामने आया अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कितनी सच्चाइयां सामने आने लगी अपने आप को जाने बिना नहीं होता चित्त को किसी आलंबन में समाहित कर दें तो अपने बारे में सच्चाई कैसे मालूम हो गई अपने बारे में सच्चाई जानेंगे तो अपने भीतर के विकारों को निकालते 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 चित्त को नितान्त तो निर्मल कर देंगे मंगल तो इसी में समाया हुआ है भला तो इसी में समाया हुआ है जितना जितना चित्त निर्मल होता चला जाएगा उतना उतना मंगल होगा उतना उतना कल्याण होगा सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो जानो अपने आप को समझो अपना John धर्म जीवन में उतरे आचरण में उतरे धर्म जीवन का अंग बन जाए तो ही धर्म धर्म है अन्यथा केवल वाणी विलास बुद्धि विलास का विषय होके रह गया धर्म नहीं हुआ धारण करें तो ही धर्म अन्यथा धर्म नहीं तो पहला कदम धर्म का सदाचरण जीवन में उतरे हम शरीर और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अन्य प्राणियों के सुख शांति भंग होती हो अन्य प्राणियों के हितों की हानि होती हो ऐसा कोई काम नहीं करें हत्या नहीं करें चोरी नहीं करें व्यभिचार नहीं करें वाणी द्वारा झूठ बोलकर किसी को नहीं ठगें वाणी से कोई कड़वी बात चुगली की बात परनिंदा की बात या निरर्थक निकम्मी बात बिल्कुल नहीं बोलें इन चार दुष्कर्मों से बचना है इन चारों दुष्कर्मों से बचने के लिए एक और दुष्कर्म है जिससे बचना बहुत आवश्यक है और वो है कि हम नशे पते से दूर रहें। जैसे ही कोई व्यक्ति नशे पते का गुलाम हो जाता है तो ये चारों दुष्कर्म जो नहीं करने चाहिए वो कर गुजरता है क्योंकि वो अपने आपे में नहीं है तो नशे पते से भी दूर रहे नशा केवल मदिरा का ही नहीं होता ड्रग्स का ही नहीं होता नशा धन का भी होता है और बहुत बड़ा नशा होता है नशा राज्य की सत्ता का भी होता है और बहुत बड़ा होता है उससे भी बचना है किसी प्रकार का नशा हमारे सिर पर सवार हो जाएगा तो जो दुष्कर्म नहीं करने हैं वो करते चले जाएंगे इसीलिए कहा थाना प्रमाद ठाना रमणी प्रमाद के जितने स्थान हैं माने जिन जिन से प्रमाद जागता है उनसे विरमन करें उससे दूर रहें चाहते तो सब हैं बुद्धि के स्तर पर खूब समझते हैं कि हमें ये ये दुष्कर्म नहीं करने चाहिए बुद्धि के स्तर पर खूब समझते हैं हमें ये ये सत्कर्म करने चाहिए पर क्या करे बेचारा कर नहीं पाता ना महाभारत का युधिष्ठर कहता है महाभारत का दुर्योधन कहता है युधिष्ठर ने खूब समझा तो जब आचरण में उतरा तो ही स्वीकार करता है अन्यथा नहीं स्वीकार करता दूसरी ओर दुर्योधन कहता है जन में धर्मम न प्रवृत्ति जाना मैं अधर्म न निवृत्ति खूब जानता हूं कि ये धर्म है ये करणीय है ये कर्तव्य है फिर भी ईश्वर प्रवृत्ति ही नहीं होती खूब जानता हूं कि ये अधर्म है ये अकरणीय है ये अकर्तव्य है फिर भी उससे निवृत्ति नहीं होती तो भाई ये हालत तो सबकी है ना शराबी खूब जानता है कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए बड़ी खतरनाक है धीरे धीरे ये मेरा बहुत बुरा हाल कर देगी लेकिन समझते हुए भी जब समय आता है तो पी ही लेता है जुआरी खूब जानता है कि ये जुआ मेरे लिए ठीक नहीं मुझे बर्बाद कर देगा लेकिन फिर भी समय आता है तो जुआ खेल ही लेता है व्यभिचारी खूब समझता है ये व्यभिचार हानिकारक है फिर भी समय आता है कर ही लेता है सारे दुष्कर्म समझते हुए भी कर लेते हैं क्यों कर लेते हैं क्योंकि मन वश में नहीं है हम अपने मन के मालिक नहीं है तो धर्म अगर ये पहला कदम चलना है इतना ही बता के रह जाता ऐ दुनिया के लोगों तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए इत्यादि इत्यादि ये उपदेश दे कर ही रह जाता तो धर्म धर्म नहीं होता फिर तो सुनने वाले इस कान से सुनते ही उस कान से निकल जाता लेकिन इसीलिए धर्म का दूसरा कदम संयम समाधि माने अपने मन की मलकियत कैसे हासिल करें मन का मालिक हो जाएगा तो अपने आप दुष्कर्मों को दूर रखेगा सत्कर्मों की ओर प्रवृत्ति होने लगेगी मन के मालिक कैसे हों मन को एकाग्र करने के लिए कोई अभ्यास करना होता है कोई प्रैक्टिस करनी होती है कोई ना कोई आलंबन कोई ना कोई सहारा लेना होता है जिस आलंबन के आधार पर हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं अनेक आलंबन होते हैं जिनका सहारा लेकर चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास किया जा सकता है एक आलंबन जो बहुत प्रचलित है कि किसी देवी का किसी देवता का किसी ईश्वर का ब्रह्म का अल्लाह ताला का किसी का नाम बार 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 मन ही मन मन ही मन उस नाम का उच्चारण करते रहो बार 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 उस नाम का उच्चारण करते करते देखेंगे कि मन एकाग्र होने लगा शांत होने लगा और एक साधन किसी देवी की देवता की ईश्वर की ब्रह्म की अल्लाह ताला की अपने किसी आराध्य देव की किसी गुरु की जिस पर भी श्रद्धा हो उसका चित्र सामने रखें उसकी मूर्ति सामने रखें कुछ देर तक खुली आंखों से देखते रहें फिर आंख बंद करें फिर आँख खोल के थोड़ी देर देखें फिर आंख बंद करें यूं करते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो चित्र वो मूर्ति वो आकृति बंद आंखों के सामने आने लगेगी फिर बंद आंखों उस आकृति के सहारे चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे ये दो बड़े प्रचलित बड़े प्रचलित आलंबन लेकिन जिसको अपने भीतर प्रज्ञा जगानी है माने अपना प्रत्यक्ष ज्ञान जगाना है जिसे विपश्यना के रास्ते चलना है आगे जाकर जो तीसरा कदम है वो कदम उठाना है उसके लिए काम की बात नहीं चित्त एकाग्र जरूर हो जाएगा लेकिन काम की बात नहीं क्यों काम की बात नहीं एक मोटा मोटा कारण तो यह कि जिस किसी देवी का देवता का ईश्वर का ब्रह्म का जिस किसी का भी नाम लेंगे उसका चित्र का ध्यान करेंगे मूर्ति का ध्यान करेंगे तो वो उस, उस संप्रदाय का देवता का देवी का ईश्वर का ब्रह्म का नाम हो गया उसकी मूरत हो गई तो सार्वजनिक बात नहीं हुई सब लोग उसी एक देवी का देवता का नाम नहीं ले सकते सब लोग उसी देवी या देवता का चित्र सामने रख के ध्यान नहीं कर सकते ये तो मोटी मोटी बात है पर समझेंगे कि क्यों हम इसको आगे के कदम के लिए उपयुक्त तो नहीं समझते वैसे अगर किसी देवी देवता को उसके नाम को उसके रूप को न भी ध्यान करें तो कोई भी शब्द हो जैसे घड़ी बांध रखी है तो घड़ी 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 बार बार घड़ी 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 करते जाएंगे मन एकदम समाहित होता चला जाएगा चुटकी बजाई और यह आवाज हुई चट 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 बार बार दोहराते चले जाएंगे मन एकदम एकाग्र हो जाएगा ताली बजाई आवाज हुई पट तो पट 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 बार बार उच्चारण करते चले जाएंगे मन ही मन उच्चारण करते चले जाएंगे देखेंगे मन एकदम शांत होने लगा समाहित होने लगा फिर भी नहीं समझेंगे क्यों नहीं एक और तरीका होता है मन को वश में करने का कि मन में कोई सुझाव देना शुरू कर दो अच्छे सुझाव हो अच्छे सुझाव देना शुरू कर दो कोई कल्पना करनी शुरू कर दो मैं नित्य हूं मैं शाश्वत हूं मैं ध्रुव हूं मैं अजर हूं मैं अमर हूं मैं निर्मल हूं मैं निर्लेप हूं मैं शुद्ध हूं मैं बुद्ध हूं इत्यादि इत्यादि बार बार, बार बार ऐसा चिंतन करते करते हम देखेंगे कि मन शांत होने लगा समाहित होने लगा नहीं इसे भी नहीं स्वीकार करते तब क्या करें तो विपशना के रास्ते ले जाने वाली परंपरा हमारे लिए एक ऐसा आलंबन देती है जो कि इन सब से दूर है और वो है हमारा अपना सांस सहज स्वाभाविक सांस जैसे भी आ रहा है जैसे भी जा रहा है बस उसे जानते रहो सांस की कसरत नहीं करनी बिल्कुल नहीं सांस पर नियंत्रण नहीं करना बिल्कुल नहीं प्राणायाम बिल्कुल नहीं सहज स्वाभाविक सांस जैसे भी आ रहा है जैसे भी जा रहा है लंबा है तो लंबा है उसे ऊंचा करने की कोशिश नहीं करेंगे ऊंचा है तो ऊंचा है उसे लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे बाई नासिका से गुजरता है तो बाई से गुजरता है दाहिनी से गुजरता है तो दाहिनी से गुजरता है दोनों में से गुजरता है तो दोनों में से गुजरता है उसे बदलने की जरा भी कोशिश नहीं करेंगे बस केवल जानना है केवल जानना है केवल जानना है क्यों इसे समझें कि इसे ही क्यों चुना गया लक्ष्य क्या है हमारा लक्ष्य है कि हमें अपने बारे में जो सत्य है उसको अनुभूतियों के स्तर पर जानना है अपने बारे में जो सत्य है सत्य वो जो अपने आप प्रकट हो रहा है उस सत्य को जानते जानते हम निसर्ग के सारे नियमों को जानने लगेंगे कुदरत के कानून को जानने लगेंगे विश्व के विधान को जानने लगेंगे धर्म को जानने लगेंगे अपने आप को जानने का काम हमारे लिए चित्त को निर्मल करने का रास्ता खोल देगा और हमें चित्त निर्मल करना है केवल एकाग्र करके रह गए और चित्त निर्मल नहीं हुआ तो काम की बात नहीं हुई किसी बगुले को देखा होगा कितना एकाग्र चित्त होकर तालाब के किनारे खड़ा है सारा ध्यान उस तालाब पर है किस बात पर ध्यान लगा है कोई मछली दिख जाए उसे हड़प कर ले ऐसे ही किसी बिल्ली को देखा होगा चूहे के बिल के पास कैसे खड़ी एक रुआ नहीं हिलता बहुत एकाग्र है कोई चूहा निकले उसे हड़प कर ले किसी शिकारी को देखा होगा अपनी बंदूक पर कैसे ध्यान लगाए बैठा है सामने शिकार आए और उसे धाय मार दे ये सारी एकाग्रताएं हैं ना चित्त को निर्मल करने वाली नहीं है तो हमें अपने बारे में जो सच्चाई है उसे जानते हुए साथ साथ चित्त के निर्मलता का काम भी करना है वो तभी होगा जब अपने बारे में जो सच्चाई अपने आप प्रकट हो रही है उसे जानेंगे तो कुदरत का जो कानून बाहर काम कर रहा है देखेंगे वही भीतर काम कर रहा है कुदरत का जो कानून बाहर काम कर रहा है वो तो हम बुद्धि से समझेंगे उसको समझ भी लेंगे तो अपने भीतर अपने चित्त को निर्मल करने का काम कैसे करेंगे वही कुदरत का काम जो भीतर काम कर रहा है वही कुदरत का नियम जो भीतर काम कर रहा है उसे जब अनुभूतियों से जानने लगेंगे तो चित्त में सुधार आने लग जाएगा इसीलिए हमारे यहां के संतों ने कहा इस रास्ते से गुजरे होंगे इसीलिए कहा कि बाहर भीतर एको सच है यह गुरु ज्ञान बताई रे बाहर भीतर एक जानो यह गुरु ज्ञान बताई रे जन नानक बिन आपा ने ओ कटे न भ्रम की काई रे जन नानक नानक जान गया है किसी की सुनी सुनाई बात को केवल श्रद्धा से मान नहीं रहा है केवल बुद्धि द्वारा चिंतन मनन करके मान नहीं रहा है अनुभूतियों से जान गया तो कहता है कि हर व्यक्ति इसी प्रकार अनुभूति से जाने सच्चाई को अपने भीतर अनुभूति से जान लेगा तो सारे भ्रम टूट जाएंगे भ्रांतियां टूट जाएंगी बाहर बाहर ही कुदरत का कानून देख के रह जाएगा भ्रांतियां बनी रहेगी तो कैसे अपने भीतर सच्चाई को जाने सच्चाई को कल्पना नजदीक नहीं आने पाए और सच्चाई वो जो अपने आप प्रकट हो रही है किसी सच्चाई का आरोपण न करने लगे किसी सच्चाई का निर्माण न करने लगें तभी कहा था कितने हुई जातन हो रंजन सोई था पन्न जाई जो सच्चाई प्रकट हो रही है उस पर कुछ और न थोपने लगे कुछ इंपोज न करने लगे और कीता न हो कुछ क्रिएट न करने लगे आप आप निरंजन सोई जो सत्य अपने आप प्रगट हो रहा है अरे वो निरंजन है वही ईश्वर है क्योंकि वो सत्य है अपने आप प्रगट हो रहा है तो जो सांस अपने आप आ रहा है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी उसके साथ कोई शब्द नहीं जोड़ देना उसके साथ कोई रूप कोई आकृति नहीं जोड़ देनी उसके साथ कोई कल्पना नहीं जोड़ देनी जैसा भी है तो कर्ता भाव भी समाप्त और भोगता भाव भी समाप्त बस दृष्टा भाव से जैसा है वैसा है इस समय भीतर आ रहा है तो भीतर आ रहा है बाहर जा रहा है तो बाहर जा रहा है बाई नासिका से गुजरता है तो बाई नासिका से गुजरता है दाहिनी नासिका से गुजरता है तो दाहिनी से गुजरता है दोनों से गुजरता है तो दोनों से गुजरता है यथाभूत जैसा है वैसा है यथार्थ का दर्शन करना है और वो यथार्थ अपने बारे में हो इस सारी शरीर के प्रपंच में क्या हो रहा है इस चित्त के प्रपंच में क्या हो रहा है इससे इसे जानने के लिए पहला कदम सांस आ रहा है सांस जा रहा है कहना बड़ा आसान है जब कभी समय निकाल करके किसी विपसना के शिविर में दस दिनों के लिए आओगे और पहला कदम यही कि सांस आ रहा है सांस जा रहा है अरे इसे ही जानना है करना कराना कुछ नहीं वो तो अपने आप आ रहा है अपने आप जा रहा है हमने अपने मन को सांस के ठोर पर लगा दिया शरीर के इस दरवाजे पर लगा दिया इसी से मन सांस भीतर जाता है इसी से बाहर जाता है बस यहीं लगा दिया तो देखेंगे कि इसको जानते जानते चित्त एकाग्र ही नहीं होने लगा चित्त निर्मल भी होने लगा कठिनाई आएगी कठिनाई आते हुए भी अपने मन के स्वभाव को पलटना है जैसे जैसे प्रयत्न करते जाएंगे देखेंगे सांस के सहारे 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 चित्त एकाग्र होने लगा एकाग्र एक होने लगा निर्मल होने लगा भले ऊपर ऊपर से ही हुआ पर धीरे 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 गहराइयों में जाएंगे जितना जितना चित्त निर्मल हो जाएगा उतना उतना धर्म स्थापित हो जाएंगे उतना उतना मंगल होना शुरू हो जाएगा उतना उतना कल्याण होना शुरू हो जाएगा धर्म में कितने स्थापित हो रहे हैं उतना मंगल होता ही है उतना कल्याण होता ही है धर्म में मंगल ही मंगल धर्म में कल्याण ही कल्याण कल्याण ही कल्याण सांस देखते देखते चित अभी चल हो जा चित निर्मल बने सहज मुक्त हो जा